हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई, जिसके लिए हमने कढ़ाई चढ़ा ली है। उसमें ऐड किया है ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन को हम भून लेंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं चिकन फ्राई हो गया है। उसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट। उसके बाद हम उसे 2 मिनट भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे भूनने के बाद अब हम उसमें ऐड करेंगे दही 1 बड़ा चम्मच। उसे भी हम अच्छी तरह से मिला के भूनेंगे जब तक चिकन का पानी सूख ना जाए। आप देख रहे हैं चिकन का पानी सूख गया है। अब हम उसमें ऐड करेंगे 3 बड़े साइज टमाटर। हमने कट करके टमाटर डाले हैं, आप चाहे तो प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे, ढक के पकाएंगे जिससे टमाटर गल जाए। बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच चिकन कढ़ाई मसाला। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक 1/2 चम्मच। अच्छी तरह से मिला लेंगे हम इसको। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 4 से 5 हरी मिर्च, उसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच दही, उसे भी अच्छी तरह से मिला के ढक देंगे हम, जिससे चिकन पक जाए अच्छी तरह से और मसाले भी पक जाएं। 10 मिनट बाद हम फिर खोलेंगे। आप देख सकते हैं चिकन भी गल गए हैं, मसाले भी अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम उसे अच्छी तरह से चला लेंगे। चलाने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। गर्मा गर्म सर्व करें। थैंक यू।